दोस्तों अगर आपको भी जानना है, जैसे कनाडा प्यार मिलने के बाद आप जो है वहां पर लैंड होते हैं, वहां उतरते हैं, तो क्या जो है वहां पर जो है किस तरीके से जो है वहां पर प्रोसेस होता है, क्योंकि मेरी जो है बात हुई थी वहीं के जो है मुकामी जो प्यार गए थे, मेरे जो है व्यूवर्स हैं संदीप जी हैं और जो है रोहित जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनके जो है एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही मैंने वीडियो बनाई, जिससे कि उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को भी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं लिख करके आपको बता दूंगा जो मैंने जो है एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उनके जो है मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना लूं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है, देखिएगा इन एरोप्लेन यू गोट ऑन विच यू हैव टू फिल, वो आपको जो है फिल करना पड़ेगा जब आप अंदर ही होते हैं, उतरते नहीं है, तो जो है करना पड़ेगा टू गिव योर डिटेल, यानी अपनी पूरी डिटेल देने के लिए आपको एक फॉर्म मिलता है, वो आपको भरना पड़ता है। ठीक है, जब आप वहां पर उतर जाते हैं आपका, तो आपका स्कैन योर पासपोर्ट एंड फोटोज ऑफ यू बाई मशीन, वहां पर देखिए मशीन लगी होती है, उसमें आपको जो है जो मशीन में आपका पासपोर्ट स्कैन हो जाता है और आपका फोटो जो है ले लेती है वो। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यू हैव टू, ओ सॉरी, यू हैव टू गो फॉर इमिग्रेशन ऑफिसर काउंटर। अब देखिएगा इमिग्रेशन काउंटर पर आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे आपकी जो है डिटेल पूछ सकता है, जो इसमें जो है फर्स्ट टाइम गो कनाडा पीपल क्यू, यानी एक लाइन होती है वहां, जो फर्स्ट टाइम वहां पर आ रहे हैं उसी लाइन में आपको लगना है, तो उसमें लाइन में लग के वो फर्स्ट टाइम जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है आपसे कहाँ आप रुकेंगे क्या है। ठीक है, तो वो आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चन पे आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, सेकेंड इमिग्रेशन, उसके बाद जो है सेकेंड इमिग्रेशन ऑफिसर, नेक्स्ट गो टू सेकेंड इमिग्रेशन ऑफिसर, यानी सेकंड इमिग्रेशन ऑफिसर के आपको पास जाना है एंड तो यहाँ देख सकते हैं, देखिएगा जो नेक्स्ट जो इमिग्रेशन ऑफिसर के आप पास जाते हैं, तो वो आपसे आपके जो है पूछ सकता है क्वेश्चन, आपके पीओ प्रूफ ऑफ फंड से रिलेटेड, सीओपीआर जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ होता है, पासपोर्ट पे लगी हुई वीजा भी देखेगा और एड्रेस इन कनाडा, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपसे जो है एड्रेस पूछेगा भाई आप कहाँ रुकेंगे, तो आप जो है उसमें जो भी है सच सच उनको बता देना है, जॉब ऑफर है तो जॉब ऑफर से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो पहला जो ऑफिसर है ये तो सिर्फ आपको जो है जाने देगा, स्टैम्प करेगा इसके, लेकिन दूसरे जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट डेट्स रिगार्डिंग सीन नंबर, आपको जो है सीन नंबर एक आपको मिलता है, वो आप जो है विदिन 30 to 40 मिनट्स आपको जो है मिल जाता है, तो अगर आपको वहां नहीं मिल जाता है किसी वजह से, तो आपको जो है सर्विस कनाडा जाना पड़ता है सिन नंबर लेने के लिए, और सिन नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो है आपके बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको वहां पर जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था कुछ स्टेप जो मैंने जो है मेरे जो है उनसे बात हुई थी ऑलरेडी जो पीआर है वहां पर, तो उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैंने वीडियो बना दी, जिससे कि आप अगर फ्यूचर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता चल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, या आपको और किन किन स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, इंशाल्लाह ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, बस आप लोगों का ऐसा प्यार चाहिए, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।